तो हुए पर वाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा अपडेट मिली है वो हमें मिली है कि सीधा डायरेक्ट स्याबाई अब वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे, उसके बाद वह पाकिस्तान में एंट्री कर जाएंगे। और बात करें स्याबाई जहां रुके थे मरकज मस्जिद में, वहां से पाकिस्तान वाघा बॉर्डर की जो दूरी है सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी है। तो स्याबाई आज जो खबर मिली है उसके मुताबिक हम आपको बताएं, तो स्याबाई का आज दिन में प्लान है स्याबाई का चलने का, तो स्याबाई आज हो सकता है दिन में चलें या फिर शाम में चलें या फिर थोड़ी बहुत देर में चल जाएं। अभी तक की जो अपडेट है कि हाँ आज स्याबाई से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद रात में स्याबाई ऊपर चले गए और स्याबाई ने पूरी रात वहीं मरकज मस्जिद में ही ठहरे, वहीं कायम किया। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आज की स्याबाई की क्या अपडेट है, क्या लोकेशन है, सुबह से अभी तक की क्या अपडेट है। तो जैसा कि हमारे पास जो अपडेट आई है, जो खबर आई है उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं, तो स्याबाई ने जो स्याबाई वहीं थे, अब आगे जब भी सफर करेंगे तो स्याबाई अब सीधा वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। वाघा बॉर्डर वह दो रास्ते हैं वहां से, या तो डायरेक्ट वाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं या फिर वह सर होते हुए अब वाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं। बस यही थी अभी की अपडेट, और एक घंटे में आपको अपडेट करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।